तो हेलो एंड वेलकम माय चैनल सिटीज का, जहाँ कार्सो बाइक के बारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं थोड़ा से काम में अटक गया था, तो इस चक्कर में यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं, जितनी भी बाइक्स कार की ऑटो न्यूज़ जो होंगी, जो भी नई लॉन्च होने वाली होंगी, और शोरूम में जाके भी यहाँ पे आपको बाइक या कार यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि बात होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो न्यूज़ के बारे में। तो जितनी भी लेटेस्ट ऑटो न्यूज़ है वो आज हम जानेंगे, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ यहाँ पे आई हुई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से। तो यहाँ मारुति सुजुकी अपने यहाँ पे जो हैचबैक कार है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा बम्पर सेल हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो भी डिटेल है, जितनी भी लिस्ट है आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, वैसे भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, एसयूवी के मुकाबले यहाँ पे हैचबैक काफी ज्यादा धमाल मचा रहे हैं यहाँ पे। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले तो है यहाँ पे वैगनार, दूसरे है स्विफ्ट, तीसरे है यहाँ पे ऑल्टो, चौथे है यहाँ पे इको, पांचवे है यहाँ पे बलेनो, और छठी है यहाँ पे डिजायर। और ये छह कारें यहाँ पे जो हैं काफी ज्यादा धमाल मचा रही हैं, काफी ज्यादा बिक रही हैं एसयूवी के मुकाबले जो मारुति की एसयूवी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है यहाँ पे टाटा के तरफ से। तो टाटा ने यहाँ पे अपने सीएनजी में कार्स को यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे काफी टाइम से न्यूज ये निकल के आ चुकी थी और यहाँ पे बुकिंग शुरू हो गई है। वो कौन कौन सी कार है, एक तो टाटा टियागो है और है कि यहाँ पे टाटा की टिगोर। तो ये दोनों कारों में सीएनजी जल्द ही यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। ऐसी न्यूज थी कि जनवरी में यहाँ पे लॉन्च कर देगी, लेकिन जनवरी आ गई है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये लॉन्च करने वाली है। अगर आप इन दोनों कार में से कोई भी एक कार पसंद करते हैं सीएनजी की और बुक कराना चाहते हैं, तो 5,000 रुपए की रकम देके आप इसे बुक करा सकते हैं। सीएनजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोग को सीएनजी चाहिए थी टाटा की कारों में, क्योंकि टाटा की कार एक तो सेफ है, ऊपर से सीएनजी लग जाती है तो सुपर सेफ यहाँ पे कार हो जाती है। तो मुझे भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, टाटा की कार मुझे काफी ज्यादा पसंद होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है यहाँ पे ह्युंडई की तरफ से। तो ह्युंडई जल्द ही लॉन्च करने वाली है अपनी एक न्यू कार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, वो जो ये न्यू कार जो लॉन्च करने वाली है वो सीधा सीधा टक्कर देगी टाटा पंच को और यहाँ पे जो मारुति सुजुकी की इग्निस है उसको यहाँ पे टक्कर देने वाली है। और वो कार है यहाँ पे ह्युंडई AI3, इसका नाम रखा गया है। सामने स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिख रही होगी। लॉन्चिंग डेट की यहाँ पे बात करें तो 2023 यहाँ पे रखी गई है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और देखते हैं कब तक यहाँ पे भारतीय बाजार में आ जाती है। भारतीय बाजार में जब ये कार आ जाएगी तो देखने लायक होगा कि किस किस को टक्कर ये भारी टक्कर देने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है यहाँ पे बाइक के बारे में, वो है यामाहा बाइक। यहाँ यामाहा ने अपनी एक न्यू बाइक का नया वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है यहाँ पे यामाहा FZSFI। यहाँ इसका नया जो वेरिएंट है वो लॉन्च कर दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और उसका नाम रखा गया है यामाहा FZSFI। इस बाइक के शुरुआती जो कीमत है वो है 1,15,900 रुपये। वहीं बात करें इसके डीलक्स के वेरिएंट की, वो है इसका प्राइस यहाँ पे 1,18,900 रुपये रखा गया है इस बाइक का एक्चुअल डिलीवरी प्राइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, वो है यहाँ पे क्रूजर इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो ये जो क्रूजर इलेक्ट्रिक बाइक है जल्द ही यहाँ पे भारत बाजार में लॉन्च होने वाली है, और जो उसका नाम है वो है साइब्रोंग योटा। और जो एक बार फुल चार्ज हो जाती है तो 120 किलोमीटर के यहाँ पे रेंज निकाल देती है, यानी कि एक बार फुल चार्ज होने पे 120 किलोमीटर यहाँ पे चलती है। जब ये बाइक यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी, अभी कोई लॉन्चिंग डेट वगैरह नहीं दी गई है, और जब यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा कि एक इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक यहाँ पे आएगी। थोड़ा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो मैंने ये देखा कि ये जिसकी बाइक की जो टेस्टिंग हो रही है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में और जो रफ एंड टफ जगह में, वहाँ पे ज़्यादातर ये बरसातों में ऐसी जगह में यहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। तो जब ऐसी जगह में टेस्टिंग हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है ये बाइक। सो ओवरऑल बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो न्यूज़ जो थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, आज इतनी ही थी। सो
आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो, काफी रोमेंटिव लगी हो। ऐसे लगे वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बी हैप्पी।